हूँ मैं खुशी। आइए आज की कुछ ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। विगत 20 दिन से
महिला सुमंग पार्क और आसपास के क्षेत्र में निकले हैं और बाबा का अभिवादन में देखिए महिला माता बहने युवा साथी सब बाबा की भक्ति में बाबा का उद्घोष कर रहे हैं बाबा के नाम पे आपके कार्यालय में प्रदीप यादव। ये यात्रा काफी सारा है, समय से निकल रही है, जगह जगह निकली, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? केंद्र स्थायी समिति द्वारा जिलों में विभिन्न स्थायी सेवा पर आस्था से कॉलोनी में हमारी इच्छा है जनता ने सभी कभी से वो भाग नमस्कार, बताएं आज यहाँ पर काफी भव्य स्वागत किया जा रहा है पालकी यात्रा को लेकर, आपका शुभ नाम बताएं। विनीता सुरेंद्र पाठक। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विगत 26 वर्षों से ये रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है। ये इस उत्सव को मनाना मेरे फादर सुरेंद्र पाठक जी ने शुरू किया था और उसके साथ ही में सभी लोग जुड़ते गए धीरे 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 साई भक्तों का मेरा लगता गया और आज देखिए कि इस ये लगातार ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी आपकी? जी 26 अलग अलग क्षेत्रों से निकलती है। ये एक तरीके का प्रभात फेरी जो है, ये एक तरीके का आमंत्रण होता है जो रामनवमी मेन पालकी के लिए होता है। बट जिस तरीके से अभी आप माहौल देखेंगे कि हर तरफ जो पालकी यात्रा सुबह सुबह प्रभात फेरी निकल रही है, वो अपने आप में इतनी भव्य है कि उसे आप एक रामनवमी पालकी यात्रा का आमंत्रण तो क्या आप ये कहेंगे कि एक उसका छोटा स्वरूप है। और हमारे क्योंकि सभी आयोजकों का मनोबल बनाने के लिए केंद्रीय साई सेवा समिति और पाठक परिवार उनका हार्दिक स्वागत। श्री केंद्रीय साई सेवा समिति में सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती है। आज की प्रभात फेरी में हमारे वीर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय योगेंद्र महाराज जी का केंद्रीय साई सेवा समिति परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। आदरणीय वैसा मंच पे आए आपका केंद्रीय साई सेवा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत है। विनीता पाठक जी स्वागत करेंगे, महेंद्र जी का, गौतम पाठक जी, रजनी पंचोली जी, आलोक अदेवाला जी, आपकी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय योगेंद्र महाराज जी साहब का केंद्रीय साई सेवा समिति परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आपका भी सदैव केंद्रीय साई सेवा समिति के लिए सदैव साथ रहता है, सहयोग रहता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित गोपाल शर्मा जी भी आ जाए परिवार से और रोहित परिवार का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय साई सेवा समिति परिवार की ओर से कल शाम 6 बजे बड़ा गणपति से विशाल मशाल वाहन रैली निकाली जाएगी जो मनोहर यात्रा के रूप से यात्रा मार्ग पर घूमेगी। आप भी अधिक से अधिक सभी यात्रा में सफल होना और आज हमारे भी हमारे दो तीन साई भक्तों का जन्मदिन है भाई विशाल जी और रोशन भैया, आपका भी बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय साई सेवा समिति परिवार की ओर से आप सभी का स्वास्थ्य कल्याण परिवार राज्य का मंत्री हूँ।
बताइए आज आपको कैसा लग रहा है जब आप बाबा का आशीर्वाद आपको भरपूर मिल रहा है? बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है चारों ओर, ऐसा लग रहा है सीढ़ी उतर के आ गई हो आज इस क्षेत्र में। घर घर से बाबा का अभिवादन हुआ है और बाबा ने हर भक्त की मनोकामना पूरी की है। आज इसका प्रतिस्वरूप आप देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में हजारों हजार साई भक्त माता शक्ति युवासा से बाबा के अभिवादन में जुटे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। बताइए आज पूरी जो यात्रा निकली इसमें काफी भव्य स्वागत किया गया पूरे क्षेत्रवासियों के द्वारा, और बाबा का आशीर्वाद आपको हर बार मिलता रहा है, मिलता रहेगा, और पूरा इंदौर में एक तरह से पूरा भक्तिमय इंदौर आज साई मतलब क्षेत्र लग रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम बताए। नाम गोपाल सिन्हा। और कैसा लगा आपको जब आपकी यात्रा पूरी पूरे क्षेत्र में लोगों ने भव्य स्वागत किया? तो मेरी यात्रा बाबा की यात्रा ही पहली बार निकली है, पहली बार में इतना अच्छा स्वागत हुआ कि आगे उम्मीद है कि आगे भव्य स्वागत होगा।